नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सेज। तो आज मैं बताऊंगा कि आपको इस लैपटॉप के अंदर रैम के कितने स्लॉट हैं और कितनी रैम तक ये सपोर्ट कर सकता है। तो वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको खोल के ही दिखा देता हूँ एक बार रैम वाला पार्ट को। तो अब ध्यान से देखना आप। रैम का ढक्कन खोलने से पहले आप पहले ध्यान दे लें कि आपका लैपटॉप शट डाउन हो, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा बटन है कि आपने चलते लैपटॉप में रैम का बॉक्स या उसका ये ढक्कन निकाल दिया तो ये बटन ऊपर हो जाएगा, इससे लैपटॉप डायरेक्ट बंद हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखना। तो आप अब देख सकते हैं कि इसमें एक ही स्लॉट है, ये देख सकते हैं एक 8GB की रैम लगी है। अगर इसके ऊपर कोई स्लॉट होता तो ये इसके ऊपर ही होता। आपने बाकी लैपटॉप में जैसे देखा होगा इसके ऊपर वो बना होता है अगर दूसरा स्लॉट होता। तो इसके नीचे भी आप देख सकते हैं इतनी जगह भी नहीं है कि दूसरी रैम आ जाए। तो आप ध्यान से देख सकते हैं अगर अच्छा फोकस हो जाए तो। आपको एक बार मैं लाइट डाल के भी दिखाता हूँ और। तो आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं कोई स्पेस नहीं है, हल्की सी स्पेस है लेकिन उसमें दूसरा खांचा नहीं आ सकता। तो अब बारी आती है कितना रैम ये सपोर्ट कर लेता है। तो पहले हम इसको बंद कर लेते हैं ढक्कन को, कि लैपटॉप को स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। लेट्स डू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। चलो लैपटॉप को स्टार्ट किया जाए। अब आप बूट स्पीड भी देख सकते हैं लैपटॉप की। एंड थैंक यू फॉर 700 सब्सक्राइबर्स। आज हमने 700 सब्सक्राइबर्स मीन्स फैमिली अपने चैनल में जोड़ ली है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये लैपटॉप कितनी रैम सपोर्ट कर सकता है। मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है। पहले मैं आपको CPU Z खोल के दिखा देता हूँ। उसमें ये बताता है कि इसमें कौन कौन सा ब्रांड की लगी है, रैम कितनी रैम लगी है, प्रोसेसर का नाम वगैरह ये सब चीज़ बता देता है ये ऐप भी। CPU इसमें आप देख सकते हैं मेमोरी DDR4 की 8GB रैम लगी हुई है। इसमें हमारे लेकिन शो कर रहा है कि इसमें 2 स्लॉट है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट ही ऐप बना ऐसा ही बना हुआ है कि इसमें 2 स्लॉट ही शो होंगे। अगर दूसरे स्लॉट में कोई लगी होगी तो ये दूसरे स्लॉट की भी शो करेगा, लेकिन इसमें एक ही स्लॉट है। तो हम ऐप खोलते हैं जो मैंने डाउनलोड किया था। तो ये है ऐप सॉफ्टवेयर जो कि है क्रिटिकल सिस्टम स्कैनर। तो आप भी चेक करना चाहते हैं तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप स्क्रीन पे नाम पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया था। तो हम करते हैं ऐसे ओपन। तो ये सीधा क्रोम में चलेगा या कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र में जाके ये हमारे लैपटॉप को पूरा स्कैन कर लेगा तो और बता देगा इसमें SSD के बारे में और रैम के बारे में।
और बीच में अपनी ऐड भी दे देगा कि आप ये SSD वगैरह या रैम को बाय कर सकते हैं। तो उसने सक्सेसफुली स्कैन कर लिया है। अब आप देख सकते हैं मैक्सिमम मेमोरी 20 GB लिखा हुआ है। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये साइट कह रही है। तो अगर इसकी माने तो ये 20 GB तक का रैम सपोर्ट कर सकता है और स्टैंडर्ड मेमोरी 4 GB नॉन रिमूवेबल। इसका मतलब पता नहीं क्या है। स्लॉट उसने बताया हुआ है कि वन बैंक ऑफ वन, मतलब एक ही स्लॉट है इसमें। तो आप देख सकते हैं इसमें 20 GB तक का सपोर्ट है। तो आप 16 GB वाली मुझे पता आती है, तो आप 16 GB तक की इसमें लगा ही सकते हैं बिल्कुल आराम से। और उसके लिए आपको 8 GB वाली जो उसमें साथ मिली हुई है वो निकालनी पड़ेगी। और साथ में इसने थोड़ी बहुत और डिटेल दी है कि कितनी स्टोरेज है इसमें। इसमें ये नहीं बताया गया कि कितनी स्टोरेज सपोर्ट कर सकता है। ये बताया इसमें स्टोरेज भी साटा 3 वाली है, 6 GBPS की स्पीड है इसकी जो हार्ड ड्राइव है। और साथ में इसने बताया कि आप कौन कौन सी SSD इसमें कंपेटेबल रहेगी SSD। तो आप इसके मॉडल नंबर दे के इसको भी परचेज कर सकते हैं। इसमें ये वाली SSD सपोर्ट करती हैं, लिस्ट दी हुई है उन्होंने। और ये SSD रैम भी दी हुई है, यहाँ से बाय कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ से इसे बाय करें, क्योंकि ये डॉलर्स में रेट है इनका, तो ये बाहर की वेबसाइट है, साथ में इंडियन भी नहीं है। तो आपको पता ही लग गया होगा कि इसमें 20 GB तक की रैम सपोर्ट हो जाती है और इसमें सिंगल स्लॉट है बिल्कुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दिस बेल आइकन।